आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। यहां हम आपको बताते चले कि बॉलीवुड में प्रीमियर प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स धूम फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के लिए प्रभास को लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि निर्माता आदित्य चोपड़ा ने अब ऐसी योजना छोड़ दी है। बता दें कि प्रभास कई अखिल भारतीय प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वह ओम रावत के निर्देशन में एक सीधी हिंदी फिल्म आदि पुरुष से भी डेब्यू कर रहे हैं। आदित्य चोपड़ा को लगता है कि प्रभास के लिए अब नवीनता कारक चला गया है, इसीलिए उन्होंने धूम 4 को होल्ड पर रख दिया है। आपको बता दें कि जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान ने अब तक धूम फ्रेंचाइजी में प्रतिपक्षी की भूमिकाएं निभाई हैं। उत्तर भारतीय बाजार में स्टार के लिए दीवानगी को देखते हुए आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि प्रभास धूम 4 में वही भूमिकाएं निभाए। प्रभास ने इसके बजाय अन्य प्रोजेक्ट को चुना। प्रभास फिलहाल राधे श्याम सलार और आदि पुरुष में अभिनय कर रहे हैं। वह अगले साल नाग अश्विन के निर्देशन में एक साइंस फिक्शन थ्रिलर भी शुरू करेंगे। इन चारों फिल्मों को हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।